प्रभु प्रभु देखिए, 12वें आदित्य के अस्त होने से पूर्व ही मैं यहाँ पहुँच गया। प्रभु फिर कैसे हमारी सेना की ये दुर्दशा हो गई? ये सब कैसे निर्जीव से पड़े हुए हैं प्रभु? प्रभु हमारे महावीर योद्धाओं की यह दुर्दशा किसने की? प्रभु कैसे हो गया ये महानर्थ? प्रभु महानता है श्री राम, वो अपनी मर्यादा पर अडिग रहे। अपने व्यक्तिगत बैर के स्थान पर उन्होंने संसार के हित को प्राथमिकता दी और ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, नारायण अस्त्र चलाकर स्वयं पर संकट आने दिया, किंतु इस संसार को नष्ट होने से बचा लिया। श्री राम ने तो इतना बड़ा संकट स्वयं ही मोल ले लिया, किंतु वह अधर्मी शतानन तो अभी भी जीवित है। श्री राम ने आपके द्वारा रची हुई सृष्टि को तो नष्ट होने से बचा लिया देव, अब शीघ्र आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, तभी इस दुष्ट का अंत होगा। प्रभु हनुमान सिंह, मुझे तुम्हारा नारायण अस्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। मैंने कहा था ना, मेरा ये लोक तुम सबके लिए मृत्यु लोक बन जाएगा। देखो वनवासी, लंका को विजित करने वाली तुम्हारी ये सेना चारों ओर कैसे निर्जीव पड़ी हुई है। वानर, बता दो अपने इस प्रभु को, शतानन को मारना असंभव है, क्योंकि शतानन की मृत्यु का अस्त्र किसी के पास कोई नहीं सकता। शतानन, इसे देख रहे हो? पहचानते हो ये क्या है? पहले तो नहीं था अस्त्र, किंतु अब है। देख लो इसे तुम भली भांति, इसी अस्त्र से तुम्हारा संहार होगा। तुम्हें तुम्हारे सभी दुष्कर्मों का दंड मिलेगा जो तुमने मेरे भ्राता समान महाराज सुग्रीव, पिता तुल्य जामवन मामा और मेरे इष्ट प्रभु श्री राम के साथ किया। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शतानन। खड़क का भय मुझे मत दिखाओ वानर, मैं आगे भी वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं। तुम्हारे साथ, तुम्हारी माता सीता के साथ, तुम्हारे इस प्रभु के साथ, किसी को नहीं छोड़ेगा ये महाशतानन। शतानन, वो सब करने के लिए तुम्हें जीवित ही नहीं छोड़ूंगा मैं। शतानन, अब तो इस महाराक्षस का अंत हनुमान के हाथों ही होने वाला है।
तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। महाघातक हिम चक्र भी तोड़ दिया इस वानर ने। प्रभु मैं शतानंद को मारकर लौट आया हूँ। प्रभु प्रभु अब तो उठिए आप। प्रभु क्या हो गया ये? मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है ये सब देखकर। लक्ष्मण भैया उठिए उठिए। लक्ष्मण भैया प्रभु बोले बाबा। प्रणाम भोले बाबा। ये कैसी लीला है प्रभु की? मेरा हृदय भी कंपित हो उठा है ऐसा दारुण दृश्य देखकर। प्रभु के होते हुए भी शतानन ने संपूर्ण सेना का विनाश कैसे कर दिया भोले बाबा? इसलिए हनुमान, क्योंकि श्री राम मानव देह की मर्यादा में बंधे हुए हैं। यही नहीं हनुमान, इस सब के पीछे प्रभु श्री राम की एक विशिष्ट लीला भी है जो शतानंद को मृत्यु के मुख में ले जाएगी। भोले बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? शतानन शतानन का संहार तो मैंने कर दिया है। ये कैसे पुनः जीवित हो उठा भोले बाबा? इसे तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है। ये सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने शतानन पर वार किया उसी अस्त्र से शतानन का वध होगा। फिर भोले बाबा इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस अस्त्र से उस पर वार करने वाले हाथ किसी अन्य का होगा हनुमान। मैं समझा नहीं भोले बाबा। शतानन का वध इतना सहज नहीं है हनुमान। यहां पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता केकसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों ही हो सकती है। अयोनिजा अर्थात जो किसी के गर्भ से ना जन्मा हो। माता सीता? हाँ हनुमान, देवी सीता
अयोनिजा हैं, उनके हाथों शतरन का संहार हो सकता है। उसकी मृत्यु ही सबको पुनः जीवन प्रदान करेगी। परंतु शतानन तो महाशक्तिशाली है, मेरी माता सीता कैसे उस राक्षस शतानन का वध कर पाएंगी? अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में देखा है हनुमान। संसार ने उनका पतिव्रता स्त्री का रूप देखा, अब वो समय आने वाला है जब ये संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर काल रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप में जानेगा ये संसार। परंतु माता सीता तो इस तथ्य से अनभिज्ञ है, और यदि उन्हें इस तथ्य के बारे में ज्ञात हो भी गया तो देवी लक्ष्मी जैसी सौम्य रूप वाली माता कैसे महाशक्ति माता चंडी वाला रौद्र रूप धारण करेंगी प्रभु, और वो कैसे धरती से इस पुष्कर लोक में आएंगी प्रभु? जब अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघने लगता है तो सृष्टिकर्ता भी अधर्मी के अंत के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। ये दिव्य आभा अवश्य ही किसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। प्रणाम देव। प्रभु, अकस्मात ही आपके ये दर्शन मेरे व्याकुल हृदय को सांत्वना दे रहे हैं, किंतु मेरा हृदय किसी बड़े अनिष्ट की आशंका से आशंकित भी है कि कहीं आप किसी अनिष्ट का समाचार तो लेकर नहीं आए हैं। अब तक तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने देवी सीता को वस्तु स्थिति से परिचित करा दिया होगा, किंतु तब तक तुम्हें शतानन को यहीं पर उलझाए रखना होगा, जिससे कि वो कोई और अनिष्ट ना कर पाए। और स्मरण रखना कि निराशा विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है, अतः हृदय में सदैव आशा की ज्योति जगाए रखना हनुमान। ऐसा ही होगा भोले बाबा। माता के आने तक मैं इस राक्षस को इस लोक से बाहर निकलना तो क्या, बाहर के बारे में सोचने का भी अवसर नहीं दूंगा। प्रणाम भोले बाबा। विजयी भव। इतना सब होने के पश्चात भी शतानंद जीवित है, आश्चर्य है। संपूर्ण वानर सेना का संहार करके लक्ष्मण भैया को आहत करके मेरे स्वामी को स्थिति में पहुंचा कर भी वो राक्षस अब तक जीवित है। वो इसलिए देवी सीता
क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, तुष्ट शतानन। अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मेरे पास है। उत्साह में आकर बड़ी मूर्खता कर बैठे तुम वानर, मेरे वध करने के स्थान पर मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मुझे ही सौंप दिया। शतानन, भले ही तुमने अपनी मृत्यु का अस्त्र ले लिया है, किंतु मृत्यु से बच नहीं पाओगे तुम शतानन। तुम्हारा ये दिव्य स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा वानर। तुमने तो इस शतानन को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मेरी सुप्त शक्तियां भी जागृत हो उठी हैं वानर, और अब तुम्हें ही नहीं, धर्म पथ पर चलने वाले सभी मनुष्यों को समाप्त करेगा ये महाशतानन, सर्वनाश करेगा। वानर, देखो अपने चहुं ओर, मेरा अधर्म का साम्राज्य कैसे विस्तारित हो रहा है। जय श्री राम। देख लो वानर, मेरे ही प्रतिरूपों की ये विशाल सेना मेरे ही जैसी शक्तिशाली है। मेरी ये प्रतिरूपों की सेना तुम किस किस पर कटारों से वार करोगे? किंतु प्रभु, जिस राक्षस का वध मेरे स्वामी नहीं कर पाए, पुत्र हनुमान भी असमर्थ रहे, संपूर्ण वानर सेना जिससे परास्त हो गई, उसका वध मैं कैसे कर पाऊंगी? असमंजस कैसा देवी सीता? अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति को पहचानिए। एक सत्यचरित नारी की असीम शक्ति को जानिए। शतानन जैसे अधर्मी राक्षस का वध करना है आप। देवी सीता नारी देवी आदि शक्ति का अंश है, और देवी आदि शक्ति संसार की सभी शक्तियों का स्रोत है। एक शुभ
एवं पवित्र आचरण करने वाली नारी भी देवी आदि शक्ति के समान शक्ति संपन्न होती हैं। हम त्रिदेव भी त्रिदेवियों के बिना अपूर्ण हैं, शक्तिहीन हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि जिस दुष्ट महादानव का वध करने में हम त्रिदेव भी असमर्थ रहे, उसका संहार एक नारी ने प्रचंड रूप धारण करके किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक नारी असीम शक्तियों का सागर होती है, उसे दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।